इतने ही है। सर, इन पांच राज्यों में जो चुनाव के अभी नतीजे आए हैं विधानसभा के, लोकसभा के लिए इन पांचों राज्यों से कितनी जो लोकसभा सीटों की आप? मैंने बताया 2008 के अंदर हम 96 पे आ गए थे टोटल जो, और उसके बावजूद हम लोग 25 में 20 ने लेके आए थे। इसलिए ये चाहे यहाँ सीटें कम हो या ज्यादा हो, यहाँ अगर सरकार हमारी बन गई लोग समझ जाएंगे, आगे उसी ढंग से वो बिहेव करेंगे और शानदार तरीके से। राहुल गांधी जी मंदिर मंदिर गए, उससे कितना फर्क पड़ा कांग्रेस के वोटों में? देखिए, मंदिर जाना व्यक्तिगत आस्था का मामला है, उसको इश्यू बनाने की कोशिश की गई बीजेपी द्वारा, जैसे कि उनका ही कोई मोनोपोली अधिकार हो मंदिर जाने का। अब हिंदू समाज समझ गया है कि ये जो बार बार चुनाव आते ही मंदिर की बात करते हैं, चुनाव आते ही क्या पूरा देश समझ नहीं रहे बातों को? भीड़ इकट्ठी करना एक बात है, आस्था होना एक बात है, पर जिस प्रकार से आप 5 साल से तो मौन धारण किए रहो, चुनाव आते ही आपको मंदिर याद आता है, चुनाव आते ही आपको हनुमान जी की याद आती है, और चुनाव आते ही आपको बुलंदशहर की घटना होती है, क्या कारण है? आप क्या अपनी उपलब्धियां बताओ जनता को, इश्यू बेस राजनीति करो, इश्यू बेस में आप बताएं भाई हमारी ये 5 साल उपलब्धियां ये थी, हमने ये वादे किए थे, ये हम पूरा नहीं कर पाए क्योंकि ये कारण थे और आगे हम ये करेंगे। इसके इर्द गिर्द पूरी राजनीति घूमनी चाहिए, कैंपेन की। क्या घूमी इस देश के अंदर बताइए आप? क्यों नहीं घूमी? एक दूसरे को ब्लेम करते अलग बात है, अगर आप सच्चाई पता लगाओगे, ये ड्यूटी बड़ी होती है जो जो सरकार में होते हैं उस पक्ष की होती है, वो उसके इर्द गिर्द रखे, विपक्ष उनसे सवाल करेगा, आरोप लगाएगा, सब कुछ करेगा, उनकी ड्यूटी है कि वो एजेंडा बेस्ड राजनीति करें लोकतंत्र के अंदर। क्या उन्होंने की है क्या? इसलिए जानबूझ करके ये कांग्रेस मुक्त भारत कर देंगे, राहुल गांधी का गोत्र कौन सा है, राहुल गांधी खानदान ने क्या किया, अरे ये तो जनता जवाब देती है कि 70 साल दे रही है। 30 साल से राहुल गांधी की परिवार का कोई व्यक्ति ना मंत्री है, ना मुख्यमंत्री है और ना प्रधानमंत्री है। उसके बाद में ही अगर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता रैंक एंड फाइल, सभी नेता जानते हैं कि ये राहुल गांधी रहेंगे, सोनिया गांधी रहेगी, पूरे देश में जो अलग अलग धर्मों के लोग हैं, अलग क्षेत्र के लोग हैं, अलग भाषा वाले लोग हैं, वो सब हमारी पार्टी को एकजुट रखेंगे क्योंकि इनके ऊपर विश्वास है, सबको साथ लेके चलेंगे। अगर इन्होंने क्रेडिबिलिटी बनाई, अपनी क्रेडिबिलिटी बनाई और